So, hello everyone, this is Dr. Adam Shrastha, MBBS intern at GSVM Medical College, Kanpur. So guys, कल जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, आज जिसका कंटिन्यूएशन है, डिसीजन फाइनली लिया जाएगा कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, इससे रिलेटेड ना बात करके हम लोग आपसे वो बात करने वाले हैं जो कि कल की हियरिंग के लास्ट में हुआ, जो पिटीशन फाइल की थी एक लड़की ने जिसके 710 नंबर आ रहे थे आई गेस, जिसमें एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है फिजिक्स का, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ और आंसर जाना चाहिए, नई एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ और आंसर जाना चाहिए, एनटीए ने दोनों आंसर एक्सेप्ट कर लिए थे और फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, नए एनसीईआरटी के हिसाब से ही आंसर जाना चाहिए, तो रिजल्ट जिसकी वजह से फिर से पब्लिश होगा, और रिजल्ट फिर से पब्लिश होगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कल मेरे पास मतलब बहुत लोग के मैसेज आ चुके हैं जो 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 रैंक पे थे, एकदम बॉर्डर पे थे और उनका वो क्वेश्चन वो गलत हो जा रहा है, तो अब उनकी रैंक पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आप सबके मन में सवाल है, आप चाहे 5,000 रैंक पे हो, चाहे 10,000 पे हो, चाहे 20,000 पे हो, आपके मन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि मेरी रैंक कितनी गिर सकती है अगर ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, जो कि मैंने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से मारा था, और बहुत लोगों के मन में सवाल ये भी है कि भाई मैंने तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर मारा था, मेरी कितनी रैंक ऊपर चढ़ सकती है, ये सवाल सबके मन में आ रहा है, तो इस वीडियो के एंड तक आप ये जान जाओगे कि कितना आपकी रैंक में फेरबदल आने वाला है, ठीक है। बहरहाल इसको डिस्कस करें उसके पहले मैं तुम लोग को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखो यार, तुम लोग में से जो भी नीट की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है, इंस्टाग्राम देखो हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, मतलब फॉलो कर लो वहाँ पे भी, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, पूरी काउंसलिंग फ्री में हो जाएगी, एक रुपये मेरे को कहीं नहीं देना है, ठीक है, आप मेरे को एक रुपये मत दो, कुछ कहीं नहीं देना पैसा आपको, पूरी काउंसलिंग आपकी फ्री में होगी, जो भी क्वेरी आपकी रहेगी आप मेरे को इंस्टा पे अगर मैसेज करते होगे तो आपको जनरली रिप्लाई मिलता होगा, ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप इंस्टा पे मेरे से पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हो, बाकी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम हैंडल के थ्रू आपकी सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता रहूँगा और आपको सारी लेजिट न्यूज़ बताता रहूँगा, फालतू की चीज़ों पर डेली 2 घंटे 3 घंटे लाइव करने का कोई सेंस नहीं करता है, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। चलो अब नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो कल हुआ क्या, देखो एक क्वेश्चन है एटॉमिक फिजिक्स का, जिसके ऊपर ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईच लिखा हुआ है टर्म शायद, और नई एनसीईआरटी में मोस्ट लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 20 शायद आंसर सही जा रहा था और नई एनसीईआरटी के हिसाब से 4th आंसर सही जा रहा है, ठीक है, मतलब वो स्टेटमेंट गलत है सॉर्ट ऑफ नई एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अब क्या है, मतलब एसर्शन रीजन था बेसिकली, तो अब क्या है, नहीं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू था, एसर्शन रीजन नहीं था, उसमें यह था कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है कि नहीं है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है कि नहीं, ऐसा सॉर्ट ऑफ था, तो स्टेटमेंट मतलब 4th वाला ऑप्शन में जा रहा है नई एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। अब मुद्दा फंस क्या रहा है कि भाई चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर जाना चाहिए, मैं इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ डिस्कस करूँ उसके पहले एक और एनटीए का ही क्लॉज डिस्कस कर लेता हूँ। एनटीए एक तरफ बोलता है कि जो बेस्ट आंसर होगा उसको आपको चूज करना है, बच्चों ने चूज किया, जिसने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी थी उसने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चूज किया, जिसने नई एनसीईआरटी पढ़ रखी थी उसने नई एनसीईआरटी के हिसाब से चूज किया, फिर एनटीए का जब ये चैलेंज किया गया तो एनटीए ने दोनों आंसर एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। एनटीए ने जब दोनों आंसर एक्सेप्ट कर लिए तो एक एनटीए का क्लॉज खुद ही कहता है, एनटीए के सेक्शन ए वाले क्लॉज को पढ़ोगे जो ब्रोशर आता है उसमें साफ साफ लिख रखा है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा सही पाया जाता है तो उसे बोनस बोला जाता है या वो दोनों आंसर सही माने जाएंगे, तो फिर इसके ऊपर क्यों ये मुद्दा उठा फिर सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि ऐसा भी कोई क्लॉज है जिसमें बोला जाता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन अगर आंसर सही होते तो या तो बोनस हो जाएगा वो क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं बोला गया, उसमें बोला गया कि नहीं, जिन बच्चों ने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर मारा वो गलत। खैर ये डिसीजन लिया गया फाइनली, एक बार हो जाएगा, रिजल्ट भी अब फिर से आ रहा है तो हो ही जाएगा ये चीज़, ठीक है, तो नई एनसीईआरटी का ही आंसर मान जाएगा, सही भी नई एनसीईआरटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट सही है, बट स्टिल अगर आपके एनसीईआरटी में लिखा था तो बच्चे तो यार पढ़ ही रहे ना जिनके पास पुरानी है। एनीवेज चलो अब आते मुद्दे पे कि भाई कट ऑफ पे कितना इंपैक्ट आएगा, किसकी कितनी रैंक पे कट ऑफ पे इंपैक्ट आएगा, तो मैं आपको बताऊं तो भाई 67 लोग जिन लोगों के 720 में 720 आए ना, उसमें से 44 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से मारा है, मतलब समझ रहे हो, मोर देन 50% लोगों ने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर मारा है टॉप 67 में, तो यानी कि जो बच्चा 60 रैंक पे था अगर उसका पहला क्वेश्चन सही हो रहा है तो अब वो तो आ जाएगा टॉप 30 में आ जाएगा, समझ रहे हो, तो उनके 715 नंबर हो जाएंगे, मतलब उनको एम्स दिल्ली मिल रहा था और एम्स दिल्ली छूने भी नहीं मिल रहा है, जो 716 नंबर पे बच्चे तो उनको एम्स दिल्ली मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मतलब ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर काफ़ी फेरबदल होगी, ठीक है। 44 बच्चे हैं तो समवट अराउंड सिर्फ 23 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 आएंगे, ठीक है, अगर यही रहता है मतलब रीनीट वीनीट जैसा कोई सीन नहीं होता, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं भैया अब तो रीनीट होने जा रहा है ऐसा नहीं, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा सीन नहीं होता है तो क्या सिनेरियो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 23 बच्चे ऐसे रहेंगे जो 720 में 720, तो मतलब 716 नंबर वाले बच्चे भी कुछ इंक्लूड होंगे जो कि टॉप 50 में आ रहे होंगे, कुछ और 715 के, ठीक है। अब आपको मतलब आपके जो इतने आ नहीं रहे, जो सच बात है, चलो आपके इतने आ नहीं रहे, आपके आए थे 700 नंबर आ रहे थे, आपके 690 आ रहे थे, आपके कुछ लोग ऐसे बॉर्डर पे थे 660 पे थे, 650 पे थे, बॉर्डर तो 650 नहीं था, वो तो आउट ऑफ बॉर्डर था,
658 पे थे, जिस पे लग रहा था जस्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उनके ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब उनकी रैंक पे कितना इंपैक्ट आएगा। तो चलो हम लोग रेंज समझ लेते हैं। देखो अगर आपका क्वेश्चन ये सही हो रहा है तो ये मान के चलो आपकी रैंक में कम से कम 20-30% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है शुरुआत की 2000 रैंक में। मतलब अगर आपकी 2000 रैंक थी तो आपकी 1600 या 1400 रैंक तक जा सकती है अगर आपका ये क्वेश्चन सही हो रहा है तो, ठीक है। और वही जिन लोग की रैंक 2000 तक है उनकी 2000 में 20% नीचे डिक्रीमेंट की चांस है। मतलब 2000 थी तो 2400 हो सकती है, 2600 हो सकती है, 20-30% डिक्रीमेंट की चांस है, ठीक है। अगर ये 5000 पे आए तो 5000 पे डेटा रहेगा समवट अराउंड 20-25%, मतलब 15% भी हो सकता है, बट 20-25% विल बी मच सेफर। तो मतलब 5000 वाले की 6000 रैंक भी हो सकती है, और अगर उसका ये क्वेश्चन सही हो रहा है तो 5000 वाले की 4000 रैंक भी हो सकती है। आप समझ रहे हो, दोनों चीज समझ रहे हो ना, जिसका सही हो रहा है उसकी 1000 रैंक इंक्रीमेंट, जिसका गलत हो रहा है उसका 1000 रैंक डिक्रीमेंट। अब लोग पूछो भैया रैंक डिक्रीमेंट क्यों होगा, इंक्रीमेंट क्यों होगा। देखो भाई मान लो कि 690 नंबर थे, ठीक है, आप पर्टिकुलर कितने लोगों से आ गए थे, कुछ आपके साथ जिनके कम हो रहे हैं 685 पे आप लोग लैंड अप करोगे, ठीक है, आप सब लोग तो ठीक है। बट कुछ लोग के जो सही रह गए वो आपसे, जो 690 पे भी हो सकता है आपसे पीछे रहे, वो आपसे आगे हो गए। 689 वाला आपसे आगे हो गया, 688 वाला आपसे आगे हो गया, 687 वाला आपसे आगे हो गया, 686 वाला आपसे आगे हो गया। तो आप समझ रहे हो, तो आपकी रैंक में डिक्रीमेंट आया कि नहीं आया। और वही इंक्रीमेंट कैसे आया, जो बच्चे का वो क्वेश्चन सही रह गया 690 था उसके अभी भी 690, बट उसके साथ वाले कुछ लोग पीछे चले गए, तो जो उसके ऊपर थे कुछ लोग पीछे चले गए। हो सकता है 691 वाले 686 हो गए, 692 वाले 687 हो गए, 693 वाले 688 हो गए, 694 वाले 689 हो गए। मतलब आप तो तब भी उन लोग से आगे हो गए, तो मतलब जो आपके चार नंबर ऊपर थे उनसे भी आप आगे हो गए। तो आपकी रैंक में इंक्रीमेंट आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना आपको। तुम लोगों को बेसिक मैथ समझ में आ गई होगी मैंने क्यों ये मैं सारा डेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5000 रैंक तक आप 20-25% एक्सपेक्ट करो, 10000 रैंक पे आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा 15% का इंक्रीमेंट, ठीक है। सम वॉट 15% का इंक्रीमेंट मिनिमम रहेगा, 15-20% भी हो सकता है। तो मतलब जिनकी 10000 रैंक है उनकी इंप्रूव होके 8,500-9,000 रैंक हो सकती है, और खराब होके उनकी रैंक मतलब डिक्रीमेंट होके अगर उनका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो रैंक उनकी 11,500-11,500 पहुँच सकती है, ठीक है, और नीचे भी जा सकती 12,000। सॉरी बट ये सच है, जानो अगर आपकी रैंक 20,000 तक आ रही है तो आप ये मान के चलो आपको 12-15% आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे भी होगा। तो मतलब 20,000 रैंक अगर इंक्रीमेंट होगी तो आपकी 17-18,000 रैंक हो सकती है, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो आपकी 21,000-22,000 रैंक तक पहुँच सकते हो आप लोग, ठीक है। 23,000 भी हो सकती है इन द वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है, क्योंकि टोटल 4.5 लाख बच्चों ने जो पेपर अटैम्प्ट किया उसमें 4.5 लाख बच्चों ने ये आंसर ऑप्शन ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो मैं और वो मैं मान रहा हूँ कुछ शुरुआत के ऊपर वाले में होंगे, उस हिसाब से मैं आपको ये सिनेरियो बता रहा हूँ। अब आते हैं वो मार्क पे जो ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ होती है ऑलमोस्ट 25,000 रैंक पे। बहुत बच्चे 25,000 रैंक पे थे, 24,200, 24,300, 24,500, 800, 23,800, तो उनके लिए डिसहार्टनिंग न्यूज़ है, उनके नंबर कम हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं 10% का भी डिक्रीमेंट मान लूँ यार, तो 10% से भी आप बाहर हो रहे हो रेंज से, बट आना है कम से कम 12% का डिक्रीमेंट आएगा। 12% अगर पकड़ लिया जाए, अगर आपकी रैंक 23,000 थी तो आपकी रैंक पहुंच जाएगी 25,600 रुपये, तो आप ऑल इंडिया रैंक के मतलब शायद आप सिलेक्शन से शायद बाहर हो जाओगे। सॉरी टू से बट यही सच है। जिनकी 24,500 थी, 25,000 थी, उनकी रैंक भाई समवॉट अराउंड मरी गिरी हालत में 25,000 रैंक वाली की 27,000-27,500 रैंक हो जाएगी। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट कितना होगा, तो भाई जिनकी 23,000 थी उनकी 21,000 हो जाएगी, जिनकी 25,000 थी उनकी 23,000 के आसपास आ जाएगी। तो आपको समवॉट डेटा समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा और नीचे रैंक का समझना चाह रहे हो तो 40,000 रैंक पे आप 8% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लेना, 50,000 रैंक पे 6-7% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लो, और 100,000 रैंक पे अगर आप लाई कर रहे हो तो 4% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लोगे, 4-5% का, तो आपकी समवॉट रैंक वहीं पे करेगी, क्योंकि नीचे आके उतना ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे जो चेंजेस ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। जो होना होगा ऊपर चेंज मेजर हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऐसा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे क्या ट्रेंड बनता है बहुत मुश्किल है, हो सकता है 5-6% का वहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिले, बट 100,000 रैंक तक मैंने आपको जैसे एक समवॉट आइडिया दे दिया, ठीक है। काफ़ी डेटा एनालाइज करने के बाद, मैथमेटिकल अप्रोच लगाने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। होपफुली कुछ ऐसा ही डेटा रहता, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग भी चैलेंज कर सकते हो, अगर एनटी कैसे क्लॉज में लिखा है कि बोनस जाता है वो क्वेश्चन, तो अगर बोनस जाता है तो भी आपके लिए सही बात है, और अगर ऐसा होता है कि नहीं एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर जा रहा है फिर आपके नंबर कम होंगे और आपके डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो एनीवेज कल बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था, इस वजह से मेरे को ये वीडियो शूट करना पड़ा, क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर इसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहा, अभी सब सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग आपकी देख रहे हैं, ठीक है, रीनीट नो रीनीट यही सब लड़ाई चल रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ एक अलग चीज़ आपके सामने पेश कर दिया जाए जिससे बच्चे ज़्यादातर परेशान हो रहे हैं। रीनीट नो रीनीट तो अभी लग ही रहा है कि आज क्लियर हो जाएगा, बट
ये वाला मुद्दा भी बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने आपको ये वीडियो दिया है। ठीक है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी काउंसलिंग बाकी जो भी दिक्कत आए मेरे को मैसेज कर सकते हो, भेज दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन मैसेज मी। ओके चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।